हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, सेनाओं का यहोवा प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, नया दिन दिखाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, नए जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारी मदद और हमारी सहायता प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है, बोलो मुझे कुछ भी घटी ना होवेगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है। हमारा प्रभु छुड़ाने वाला है, अद्भुत काम करता है, युक्ति करता है। उसके लिए आइए सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आवर ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू जीसस। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज की नई सुबह के लिए, नई करुणा के लिए, भोर के लिए और जीवन के लिए और सांसे के लिए। मेरे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, लॉर्ड जीसस, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो, और तेरी महिमा हो, थैंक यू जीसस। हमारी मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं और आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य। सचमुच में हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ। हमारा परमेश्वर बोलो अच्छा चरवाहा है। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं 23 अध्याय, सभी बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरी जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होवेगी। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 10 अध्याय, इसका पहला वचन में, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। बाइबल क्या कहती है उसे, जो किसी और तरीके से चढ़ता है या चलता है? प्रभु का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी और से चढ़ जाता है, तो वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनकी आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराए के पीछे नहीं जाएंगी, कि परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराइयों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बात है जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे कहा, फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। कौन है द्वार? बोलो यीशु मसीह। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा।
चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आया है हमें जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि किसी और द्वार से वो आते हैं, हालेलुया, किसी और द्वार से जिसमें यीशु का नाम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं है, तो वो चोर और डाकू है। अब उन्हें कोई एंट्री नहीं मिलेगी। यदि किसी और रास्ते से आ रहे हैं, किसी और द्वार से आ रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें कहीं से भी अंदर आने नहीं दिया जाएगा। हालेलुया, सिर्फ द्वार के द्वारा मिलेगा, दो दरवाजे के थ्रू। अब किसी के घर में हमने जाना है, तुम छत से या इधर से उधर से जा सकते हैं? नहीं। यदि कोई जाएगा तो क्या कहा जाएगा उससे? अरे ये तो चोर है, इसको यहाँ से आने की क्या जरूरत है? यदि सच्चा है तो वही दरवाजे से आ जा। और चोर सिर्फ चोरी करने के लिए आता है, और वही दरवाजे इधर उधर का प्रयोग करता है, सॉरी, और चोर ही खिड़कियां इधर उधर से प्रयोग करता है। हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह द्वार है और हम उसके द्वारा ही जा सकते हैं स्वर्ग के राज्य में, पिता के पास में, क्योंकि द्वार प्रभु यीशु मसीह है। अब यहाँ पर रीजन ये है कि आखिर यीशु के द्वार क्यों कहा गया है। हालेलुया, द्वार इसलिए कहा गया क्योंकि देखो हम सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब पुराने समय में व्यवस्था की बुक में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि पहले जमाने में, पुराने नियम में, जो पाप बलि दिया जाता था, प्रायश्चित का बलि दिया जाता था और बार बार देना पड़ता था, बार 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 बार। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद एक ही बार में सब सही हो गया, सब खत्म हो गया, क्योंकि एक बार ही पाप बलि बन गया। कौन वह है? प्रभु यीशु मसीह। एक ही बार पाप बलि हो गया, और वो जो बलि था वो क्या होना चाहिए था? निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र होना चाहिए था, और ऐसे ही पशु का बलिदान करना चाहिए था, बार बार करना पड़ता था। लेकिन एक ही आया और वो बलि हो गया, वो भी निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, जो प्रभु यीशु मसीह था, और उसे कलवरी क्रूस पर लटका दिया गया। अब वो हमारा प्रायश्चित रूपी बलि बन गया। हालेलुया, कौन? प्रभु यीशु मसीह। अब पिता ने उसी को ठहराया कि उसी के द्वारा भीतर बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि द्वार के थ्रू। तो द्वार कौन बन गया? प्रभु यीशु मसीह। अब द्वार के द्वारा ही हमें एंट्री मिलेगी, दरवाजे के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जो द्वार है, प्रभु का वचन कहता है, देख मैं द्वार में खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा, मेरा शब्द सुनेगा, वो खोलेगा, वो शांति और आराम अपने जीवन में, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। अपना प्राण किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि वह हमारा अच्छा चरवाहा है। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िया आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसकी भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वह भेड़ी मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे और तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझे से छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हमारा अच्छा चरवाहा केवल प्रभु यीशु मसीह, और उसी पर भरोसा रखे, उसी पर विश्वास रखे, क्योंकि वही द्वार है, वही मार्ग है, वही सत्य और वही जीवन है, और उसी के द्वारा हम जा सकते हैं, और उसी के द्वारा एंट्री है। हालेलुया, लेकिन जो चोर है और जो डाकू है, वो कभी इधर से आते, कभी उधर से आते हैं। अलग अलग बातें दिखाई देती, दो रंगी बातें दिखाई देती है, झूठा फरेब, ये सारी बातें दिखाई देती है। लेकिन देखो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है, आप सभी लोगों को चुन लिया है, ताकि आप फल लेकर आ सके। हालेलुया, मन फिराव के योग्य फल लेकर आ सके।
इसलिए आज अपने आप को सरेंडर करें। बोले यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है, बोले यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, और वो अपनी जान दे दिया है। अपने भेड़ों की रखवाली करता है, आपकी रक्षा करेगा, आपकी रखवाली करेगा, आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा, आपको लगातार चिल्लिए चलता फिरेगा। जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसके निकट आए, सचमुच में वो अपने जीवन में अद्भुत और अनोखे कामों को देखेंगे। हालेलुया, ग्रेट ब्लेसिंग्स को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उनके जीवन में किसी भी बड़ी वस्तु की कमी कटी नहीं होने देगा, प्रभु का वचन कहता है। सब कुछ पूरा करके देगा, प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्म राज्य की खोज करता है उसके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए आज ही अपना जीवन प्रभु को दे, सब कुछ सरेंडर कर दे, और वह आपको चलाएगा। बोलो अच्छा चरवाहा मेरा यीशु मसीह है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है और सुखदाई जलने के पास ले चलता है। प्रभु यीशु की तारीफ। वो हमें हरी हरी चराई में बैठाता है और सुखदाई जलने के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया, प्रभु की तारीफ। हरी हरी चराइयों में हमें बैठाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवार, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या जब कह सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, हालेलुया, और मुझे कुछ घटी ना होगी, हालेलुया। यदि आज आप कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो सचमुच में आपको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और वह किसी भी भली वस्तु की आपको शांति देगा, अपने प्रेम से भर देगा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, हर एक चीजें। यदि आज आप कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी, और प्रभु का वचन कहते हैं हरी हरी चराइयों में, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों को अच्छी अच्छी चराइयों में ले चलता है। हालेलुया, देख रेख करता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो सुखदाई जल का झरना कौन है? वो और कोई नहीं है, वह प्रभु यीशु मसीह है। वो जीवन का जल है, और वो जल जो है वो सुखदायक है, और वह यीशु मसीह है। वो मेरे जी में जी ले आता है। यदि आज आप थके हुए, परेशान है, मुश्किल में, तो सचमुच में थकियों को बल देगा, प्रभु का वचन कहता है। वो जी में जी ले आता है। हालेलुया, और वो आपको क्या करेगा? आपको उत्साह से भर देगा, खुशी और आनंद से भर देगा। आपके जी में जी ले आएगा, आपके जीवन प्रकाश लेकर आएगा, ज्योति लेकर आएगा। और धर्म के मार्गों में क्या करेगा? वह अपने नाम के निमित्त वो अगुवाई करता है। हालेलुया, और वो सचमुच में आपकी अगुवाई करेगा, आपको कैसे चलना, कैसे करना है। प्रभु यीशु की तारीफ। प्रभु का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। यदि मृत्यु की साया की में यदि जाते, तो आपको विपत्ति से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आपको संभालेगा, आपको गिरने से बचाएगा। भेड़ों को देखते हैं, वो खतरनाक से खतरनाक जगह में चरने जाती है। हालेलुया, तो परमेश्वर आपको उस अंधकार की तराई में से बचाएगा। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं। यदि आप जाएं, लेकिन तब आपको किसी भी चीज से हानि ना होगी और आपको बचाएगा। इसलिए परमेश्वर, यदि आप सचमुच में परमेश्वर का चरवाहा मानते हैं, तो प्रभु के जीवन में सब कुछ सही करेगा, शांति देगा, हालेलुया, ठीक करेगा। और शत्रु के बीच में क्या कर देगा? सताने वाले के सामने मेज बिछाता है, और शत्रु से आपकी क्या करवाएगा? विनती करवाएगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों, बिना जब को डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा चरवाहा मिल चुका है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके साथ साथ चलेगा, आपको हर गलत रास्ते में जाने से बचाएगा, क्योंकि उसने आपको चुन लिया है। और आप बोलो कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हैं, आपको सुरक्षित प्रदान करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आइए अपने आपको प्रभु के आगे सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, आपके हाथ में समर्पित करते रहे, जनों को ब्लेस करते हैं यीशु राजा। अनुग्रह देके चलाना पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया करना यीशु राजा, दया करना यीशु राजा। प्रभु जी दया करो, हर एक लोगों को चलाना पिता परमेश्वर। आपके हाथ में समर्पित करते हैं,
प्रभु जी आपके पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करना। यीशु राजा सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। बोलो यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ किसी की बिचियों ने परमेश्वर पिता जो आज की मेरे प्रवचन को सुना सुबह, हर एक चीजों से बचाना, परेशानी से बचाना और सारी जरूरतों को पूरा करके देना। किसी भी भली वस्तु का घटी ना होने पर इनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। प्रभु जी अनुग्रह देके चला। मैं प्रार्थना करती हूँ कई लोग बीमार है, परेशान है, समस्या में जकड़े हुए, यीशु के सामर्थ्य नाम डांटती हूँ। हर एक बीमारी आपके जीवन आपके परिवार को छोड़ के जाए, हर एक प्रॉब्लम जाए, हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए। शरीर के हर एक रोग, हर एक दर्द आपके सर से लेकर पांव तक यीशु के सामर्थ्य में डांटती चंगे आजाद हो जाए। प्रभु जी दिया कर, मजबूत बनाओ यीशु राजा, मदद और सहायता करना यीशु राजा, आपके पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, नया मसा दे, अनुग्रह दे, हर एक बंधन टूट जाए, गरीबी से आजाद हो जाए, आपको टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, रिक्केस से आजाद हो जाए, वापस गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया, इनके जीवन में सब कुछ जरूरतों को पूरा करके देना और किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने पाए। आपके पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, प्रार्थना का आत्मा दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, सब कुछ पूरा करके देना यीशु राजा, सब कुछ पूरा करके देना यीशु राजा, सारी जरूरतों को पूरा करके देना यीशु राजा। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, दया करो, दया करो, दया करो, जो भटक गए यीशु के सामर्थ्य में वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नए लोग सुन रहे यीशु के सामर्थ्य में, प्रभु आपको उद्धार करे और अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रॉब्लम और घर की समस्या आपके जीवन से जाए, टूटा परिवार जोड़ जाए, कोर्ट के से आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए, अपनी गवाहियों को देने के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद यीशु, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या आपके जीवन और परिवार को छोड़ के जाए, हर एक गंदगी आदतों से आजाद हो जाए, हर एक नशे से आजाद हो जाए, हर एक उलट फेर की बातों से आजाद हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, छुटकारा के लिए धन्यवाद, छुटकारा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना का आत्मा दे, एक लोगों के जीवन में कार्य करना, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करना। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट, उसके लिए तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, अपने गवाहियों को देना ना भूलें, अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग, अपने ऑफरिंग को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू बैंक के थ्रू दे सकते हैं तो चर्च भवन में जरूर आए। ये एड्रेस आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। हालेलुया, लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सदाना देते रहें। और जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाहियों को देना ना भूलें और लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की जमीन के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। प्रभु को बहुत अद्भुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।